हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, जिसमें हमने देखा था कि रिंग के एक्सिस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्क के एक्सिस पे किसी पॉइंट पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जैसे अर्थ है, तो उसके द्वारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। हमने देखा था कि अर्थ के अंदर किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखना है अपने को तो हम कैसे लिखेंगे, अर्थ के आउटसाइड किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, फिर उस पर बेस्ड हमने न्यूमेरिकल भी देखा था जो जनरली पूछा जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि कोई हॉलो स्फीयर है या कंडक्टिंग सेल है, शेल है, कंडक्टिंग नहीं, सिंबल सेल है, तो उसके अंदर और बाहर पोटेंशियल कैसे चेंज होता है उसके बारे में देखा था। तो हमने ये देखा था कि शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और वो किसके इक्वल होता है, उसके सेंटर पे जितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है उसी के इक्वल होता है। आउटसाइड के लिए शेल जो होगा वो क्या होगा, पॉइंट की तरह बिहेव करता है, तो मैंने ग्राफ भी बताया था। आज हम क्या देखेंगे कि ऑर्बिटल मोशन ऑफ क्या होगा, सैटेलाइट। अब सैटेलाइट का पाथ क्या होगा वो कई फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो बाद में मैं बताऊंगा कि लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, यदि सैटेलाइट को किस वेलोसिटी से लॉन्च करोगे तो उसका जो पाथ होगा क्या होगा, एलिप्टिकल होगा, सर्कुलर होगा, पैराबोलिक होगा, हाइपरबोलिक होगा, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। हमने ये मान लिया है। अब सैटेलाइट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो, यहाँ मैंने दो ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है, एक सेंट्रल ऑब्जेक्ट और एक क्या है, ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट। सेंट्रल ऑब्जेक्ट जनरली क्या होता है, हैवियर ऑब्जेक्ट को हम क्या कंसीडर करते हैं, सेंट्रल ऑब्जेक्ट। जो कभी भी क्या होगा कि जब कोई भी लाइटर ऑब्जेक्ट हैवियर ऑब्जेक्ट के अराउंड सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, सैटेलाइट बोलते हैं। तो जनरली सैटेलाइट दो तरह का होता है, एक को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, नेचुरल सैटेलाइट होता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, उसी तरह हम ये भी बोल सकते हैं कि अर्थ इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सन। समझ में आई बात? तो हम टाइप ऑफ सैटेलाइट के बारे में बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद और भी होती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी होता है, ठीक है, तो उसको बाद में हम पढ़ेंगे, पहले सैटेलाइट पढ़ लें। तो जो भी क्या होगा, ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट होगा उसको जब व्हेन एवर एनी लाइटर ऑब्जेक्ट मूव ऑन द सर्कुलर पाथ अराउंड द क्या होगा, हैवियर ऑब्जेक्ट, देन सच लाइटर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सैटेलाइट। तो यहाँ मैंने मान लिया कि कोई हैवियर ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, एम है, उसके अराउंड क्या है कि कोई सैटेलाइट है जिसका मास क्या है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, किस स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं, ठीक है। अपकोर्स जब ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो यहाँ कोई फोर्स होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ बेटा ध्यान देना कि इस हैवियर ऑब्जेक्ट और लाइटर ऑब्जेक्ट सैटेलाइट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसी के वजह से क्या होगा कि सैटेलाइट जो होगा वो क्या होगा, सर्कुलर पाथ पे क्या होगा, मूव करेगा। जैसे ही आप क्या करो, ग्रेविटेशनल फोर्स को हटा दो, रिमूव कर दो सडनली, ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो सैटेलाइट विल मूव टेंजेंशियली ऑन द क्या होगा, मूव टेंजेंशियली ऑन द क्या होगा, पाथ टेंजेंशियली क्या होगा, मूव कर जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही क्या है, ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। यहाँ दो एजम्पशंस कंसीडर करना है। दो एजम्पशंस का मतलब क्या है, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट एजम्पशंस है वो हम ये कंसीडर करेंगे, ध्यान देना, कि जो हैवियर मास है वो क्या है, स्टेशनरी है। तो आपको ध्यान दे देना है, नोट में ये पॉइंट लिख याद रखना है, अदरवाइज क्या होगा, दोनों एक दूसरे के क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूव करेंगे, जिसके बाद हम रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट भी सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपने को हम ये मानेंगे कि क्या होगा कि हैवियर जो ऑब्जेक्ट है, एम, कैपिटल एम इज एज्यूम, ठीक है, एज्यूम टू बी एट रेस्ट, ठीक है, समझ में आया ना। इसको हमने क्या किया, रेस्ट में मान लिया, और ये जो है एम जो है क्या है, इसके अराउंड क्या है,
मूव कर रहा है। ठीक है, सेकंड चीज ये भी हम कंसीडर कर रहे हैं कि हम ये मान रहे हैं, सेकंड पॉइंट क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है सैटेलाइट और इस हैवियर ऑब्जेक्ट के बीच ही लग रहा है, अदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बी को क्या हम बोलेंगे, इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल, किसी बुक में इसको क्रिटिकल स्पीड भी बोला है, ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, अब देखो यहाँ सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स देखो तो हम क्या लिखेंगे, एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या होता है, मास ऑफ सैटेलाइट इनटू स्पीड स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। एफ जी बेटा क्या होगा, यहाँ से देखो ध्यान से, तो एफ जी लिख सकते हैं जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर, एंड दिस इज एम वी नट स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर। आर से आर कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, तो वी ओ जो मिल रहा है, आई मीन ऑर्बिटल स्पीड जो मिल रहा है वो क्या होगा, जी एम अपॉन क्या होगा, आर क्या होगा, जी एम अपॉन आर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर। ये आपको क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है। अब देखो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ एनी सैटेलाइट क्या चीज पे डिपेंड करेगा, दिस इज द मास ऑफ स्टेशनरी, मास ऑफ सेंट्रल बॉडी एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग। क्या होगा, क्या चीज पे डिपेंड करेगा बेटा, मास ऑफ सेंट्रल बॉडी एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग, दो चीज पे क्या होगा, डिपेंड करेगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आई मीन ऐसे ही बोल सकते हो कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस से जो हाइट होगा उस पर भी क्या होगा, डिपेंड करेगा, क्योंकि देखो ये जो मैंने आर लिया है, इस हैवियर ऑब्जेक्ट को हमने पॉइंट माना है, और या पॉइंट नहीं भी माने को तो इसको हमने सेंटर से आर डिस्टेंस लिया है। ठीक है, तो ये क्या होगा, दिस इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, और एम क्या है, एम इज मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ सेंट्रल बॉडी। ठीक है, दिस इज ऑर्बिटल स्पीड। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, डेंसिटी के टर्म में भी कभी कभी पूछा जाएगा, तो देखो एक इक्वेशन मैंने लिख दिया, अब मास ऑफ सेंट्रल बॉडी को हम डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं, देखो m इज इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू 4π बाई 3 आर क्यू। आर क्यू का मतलब क्या होगा, रेडियस ऑफ क्या होगा, हैवियर, रेडियस ऑफ सेंट्रल बॉडी, ठीक है, या हैवियर बॉडी। ठीक है, तो r यहां से हम रख सकते हैं यहां, तो देखो यहां से v आपको मिल जाएगा, v कितना मिलेगा देख सकते हो तुम, और वाइटल वेलोसिटी इज इक्वल टू m का वैल्यू रखो तो देखो 4π, ठीक है, 4π अपॉन 3 रो जी, ठीक है, इंटू आर, और यहाँ आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आर क्यूब। समझ में आई बात, क्या होगा, आर क्यूब। तो ऐसे ही बोल सकते हो कि यदि कांस्टेंट मास होगा, देखो ध्यान से क्या होगा, कांस्टेंट मास होगा तो ऑर्बिटल स्पीड या कांस्टेंट डेंसिटी भी होगा, दोनों हम बोल सकते हैं। वहाँ से देखो कभी कभी डेंसिटी के टर्म में भी क्या होगा, आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या होगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि डेंसिटी के टर्म में कि ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा। तो यहाँ से दोनों से ये मालूम चल रहा है, हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्बिटल स्पीड जो होगा क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच सैटेलाइट इज मूविंग। कब, जब आइदर क्या हो, रो कांस्टेंट हो, और हम बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, आइदर रो कांस्टेंट हो और क्या हो, एम कांस्टेंट हो, दोनों केस में आप बोल सकते हो। तो यहाँ यदि आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है, आई मीन हमने क्या किया, सेंट्रल बॉडी को फिक्स कर दिया और सैटेलाइट को डिफरेंट ऑर्बिट में हम क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तो
उस केस में आप देखोगे कि इसका जो रेडियस, इसका जो क्या होगा वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा, वी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर। ठीक है, यहाँ मैंने सेंटर और इधर हमने क्या कंसीडर किया है, रेडियस। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब कभी कभी क्या होगा, ठीक है, तो ये अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद जैसे कभी कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि अर्थ सरफेस के नियर सैटेलाइट का और वाइटल स्पीड क्या होगा। ठीक है, समझ में आया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो अगला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि नोट में कि ऑर्बिटल, देखो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ सैटेलाइट, सैटेलाइट ठीक है, नियर नियर टू इट्स सरफेस, आई मीन इसके सरफेस के नज़दीक अर्थ सैटेलाइट का स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो देखो अब हम लिख सकते हैं वी ओ इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, आई मीन दैट इज, यहाँ हम ये लिख सकते हैं दैट इज रेडियस स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, नियरली कैपिटल आर। यहाँ कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ द क्या है, अर्थ है, क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ लिख सकते हैं देखो वी ओ और वाइटल स्पीड इक्वल टू क्या होगा, जी मास ऑफ अर्थ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, समझ में आया, इसको ऐसे भी आप शायद लिख सकते हो, मैंने बताया था कभी कभी जी के टर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ से देखो ये आप लिख सकते हो जी इंटू क्या लिख सकते हो, आर ई लिख सकते हो। ठीक है, जी क्या है, एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और ये क्या मिलेगा आपको, आर ई रेडियस ऑफ द अर्थ। इसका जब वैल्यू रखोगे देखो ध्यान से, तो क्या लिख सकते हो, नियरली 10 और ये कितना होगा 6400 किलोमीटर, 10 रेज टू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इधर मैं लिख रहा हूँ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, 64 इंटू क्या हो जाएगा 10 रेज टू 6, सही है, और ये आसानी से क्या मिल जाएगा, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये आपको बेटा याद रखना है कि नियरली, किसी किसी बुक में 7.9 भी दिया हुआ होगा, तो वहाँ जी का वैल्यू कितना कंसीडर किया होगा, 9.8। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होगा, 8 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, क्या होगा, 8 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। और कहीं भी आपको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, क्या हम देखेंगे, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो अगला जो पॉइंट होगा उसको हम क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, अब देखो टाइम पीरियड जनरली हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि टाइम पीरियड यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें हम टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको दूसरे तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, कई मेथड है। तो देखो एक फार्मूला मैं ये बोल सकता हूँ कि टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होगा, 2πr सर्कमफेरेंस अपॉन क्या होगा, ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, दूसरा फार्मूला मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 2π अपॉन क्या होगा, ओमेगा। ठीक है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में दोनों क्या होता है, सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, समझ में आया ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड। और एक फार्मूला और भी है कि टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। ठीक है, इस सभी रिजल्ट क्या होगा, यहाँ यूज होगा। अब देखो रेडियस, अब मैं ये रिजल्ट यूज कर रहा हूँ तो टी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 2π। ठीक है, आर अपॉन, अभी हमने ऑर्बिटल स्पीड देखा था तो ऑर्बिटल स्पीड क्या था, जी एम अपॉन स्मॉल आर, सही है, समझ में आया। यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या होगा, 2π अपॉन अंडर रूट जी एम,
और आर के पावर, ठीक है, क्या हो जाएगा 3/2, सही है, समझ में आया। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो केपलर्स लॉ अभी हम पढ़ेंगे, तो यहाँ से देख सकते हो कि नियरली क्या होगा फॉर गिवन प्लैनेट या फॉर गिवन हैवियर ऑब्जेक्ट क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि फॉर क्या होगा गिवन सेंट्रल ऑब्जेक्ट, आई मीन सेंट्रल ऑब्जेक्ट को हम फिक्स कर दें तो हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ, ठीक है, ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। आई मीन जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाओगे वैसे वैसे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट जो होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया ना, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, सैटेलाइट जो होगा वो क्या होगा, स्लो मूव करेगा। और हम यहाँ से देख भी रहे हैं कि स्पीड ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट जो होता है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आर होगा। आई मीन जब आप आर बढ़ाओगे, रेडियस ऑफ ऑर्बिट बढ़ाओगे, तो स्पीड क्या होगा, कम होगा। यहाँ से भी मालूम चल रहा है स्पीड कम होगा, आई मीन सेमी पाथ को कवर करने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ से भी दिख रहा है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसके रेडियस पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, फॉर गिवन सेंट्रल बॉडी हम ये बोल सकते हैं कि T1/T2 इज इक्वल टू क्या होगा, T1/T2 इज इक्वल टू क्या होगा, R1/ क्या होगा, R2 द क्या होगा, होल क्यूब, ठीक है, बाई टू। इसी को हम क्या बोलते हैं, केपलर्स लॉ बोलते हैं, जो मैं बताऊंगा कि केपलर्स ने प्लानेटरी मोशन दिया कि प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड कैसे मूव करते हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। समझ में आया ना, तो T1/T2 इक्वल टू क्या होगा, R1/R2 के पावर क्या हो जाएगा, 3/2। ये कब हमने इस रिजल्ट को हम तभी यूज करेंगे बेटा जब सेंट्रल बॉडी क्या है, सेम, आई मीन जो सेंटर पे जो ऑब्जेक्ट है, आई मीन सैटेलाइट मूव कर रहा है जिस ऑब्जेक्ट के अराउंड, उसको हमने क्या किया है, यहाँ देखो फिक्स कर लिया है, ठीक है, समझ में आई बात। अब यहाँ हम ये लिखेंगे, देखो ध्यान से, ठीक है, अब यहाँ हम बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, हम क्या बोल सकते हैं कि T² = हम क्या बोल सकते हैं, 4π² / gm * क्या हो जाएगा, R³, ठीक है, समझ में आया। अब व्हेन, यहां मैं लिख रहा हूं कि व्हेन सैटेलाइट इज नियर टू द सरफेस ऑफ सेंट्रल बॉडी, ठीक है, दैट इज क्या होगा बेटा, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि T² इज इक्वल टू क्या होगा, 4π² / क्या हो जाएगा, gm R³। देखो यहाँ से एक और रिजल्ट मिलेगा, बहुत सारे रिजल्ट यहाँ से तुमको देखने के लिए मिलेगा कि देखो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये कब है, नियर टू द सेंट्रल, आई मीन सेंट्रल बॉडी के सरफेस के नियर हो, नियरली सरफेस को टच करके क्या कर रहा हो, रिवॉल्व कर रहा हो, तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 4π² / gm, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, R², यहाँ मैंने R लिखा, और gm/R² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, small g भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो 4π, ठीक है, R/, ठीक है जी, समझ में आया क्या। तो किसी भी क्या होगा, यहाँ से तुम ये भी देख सकते हो, देखो ध्यान से, बहुत अच्छा एक रिजल्ट भी मिलेगा, देखो ध्यान से, शायद हमने पढ़ा था कि अर्थ के डायमीटर के अलोंग टनल यदि डग कर दें तो टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है, तो ये भी यहाँ भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, देखो ध्यान से। अब हमने यहाँ से ये लिखा T², मैं ये लिख रहा हूँ कि G ऑन एनी प्लानेट,
ठीक है, ये याद रखना। तो टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, टू पाई अंडर रूट, क्या होगा, आर अपॉन क्या हो जाएगा, जी। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट नियर टू द सर्फेस ऑफ एनी प्लानेट डिपेंड ऑन क्या होगा, रेडियस ऑफ प्लानेट एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ प्लानेट। समझ में आई बात। यदि हम ये कंसिडर कर लें, नोट में आप ये कंसिडर कर लें कि इफ सेंट्रल बॉडी इज क्या होगा, इज अर्थ एंड स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। देखो बेटा टी इक्वल टू टू पाई अंडर रूट क्या हो जाएगा, आर ई अपॉन जी। और आई थिंक इसको जब कैलकुलेट करोगे तो नियरली कितना आ रहा है, 84.6 मिनट आता है। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, देखो ध्यान से। आई मीन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ सैटेलाइट नियर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ जो होगा वो कितना हो जाएगा, 84.6 मिनट। क्या हो जाएगा, 84.6 मिनट। यहाँ देखना ध्यान से कि जो भी चीज़ है टाइम पीरियड या ऑर्बिटल स्पीड जो है वो क्या है, सैटेलाइट के मास से क्या होता है, इनडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है। देख रहे हो ना बेटा, यहाँ सैटेलाइट का मास कहीं है क्या, नहीं है। समझ में आया ना, तो आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या होगा, आपसे पूछा जा सकता है कि टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ क्या होगा, सेंट्रल बॉडी। तो आप यहाँ से आसानी से क्या कर सकते हो, मास को क्या करोगे, डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया। तो ये याद रखना, कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि अर्थ के नज़दीक जो सैटेलाइट है, नियर टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, उसका टाइम पीरियड कितना है, तो 84.6 मिनट। ठीक है, और आई थिंक 1.4 आर भी आता है इसका वैल्यू। अब हम अगला पॉइंट इसमें देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या हम देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। मैं अर्थ सैटेलाइट बाद में लिख दूंगा। ठीक है, तो देखो ऑर्बिटल स्पीड हमने देखा था, अभी वी ओ हमने देखा था कितना था, अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन क्या होगा, आर। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, के ई इज इक्वल टू 1/2 एम। ठीक है, कितना होगा, जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन क्या होगा, 2R। यहाँ से आपको मालूम चलेगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट जो होता है वो मास ऑफ द सेंट्रल बॉडी एंड मास ऑफ क्या होगा, सैटेलाइट पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। तो ये आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एंड सेंट्रल बॉडी सिस्टम क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो सिस्टम का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया था कि कोई भी हैवियर ऑब्जेक्ट है, कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, उसके बाहर जब आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो आप क्या करोगे, उसको पॉइंट की तरह क्या करोगे, ट्रीट कर लोगे। तो बेटा यहाँ आसानी से लिख सकते हो कि यहाँ आप लिख सकते हो पी या यू, मैंने यू से डिनोट किया है, तो यू इक्वल टू क्या होगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन क्या हो जाएगा, आर। आर क्या है, ऑर्बिट ऑफ क्या होगा, सैटेलाइट। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ सैटेलाइट। ठीक है, एसोसिएटेड विथ सैटेलाइट, तो टोटल एनर्जी कितना होगा, टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस, ठीक है, टी इक्वल टू सॉरी काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पी ई
और इसको हम ऐसे लिखे हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस हमने यू माना है तो यू लिख रहे हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन क्या है टू आर माइनस जी स्मॉल एफ कैपिटल एम अपॉन क्या होगा आर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन क्या हो जाएगा टू आर। बेटा यहाँ देखो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको काइनेटिक एनर्जी याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी याद रखना है और टोटल एनर्जी का क्या करना है, वैल्यू याद रखना है। देखो टोटल एनर्जी क्या है, निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आप बताओगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी जब आप पढ़े होंगे तो वहाँ देखना इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रॉन के साथ जो टोटल एनर्जी एसोसिएट होता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएट होता है वो क्या होता है, वो भी क्या है, वहाँ भी एनर्जी जो आता है वो टोटल एनर्जी निगेटिव आता है, यहाँ भी टोटल एनर्जी क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब क्या है, यहाँ ये मालूम चलेगा, ये ध्यान रखना कि हियर निगेटिव साइन इंडिकेट दैट सैटेलाइट इज इन बाउंडेड स्टेट विद द सेंट्रल बॉडी। सेंट्रल बॉडी से क्या है, बाउंडेड स्टेट में है। यदि आप क्या करोगे उसको सैटेलाइट सेंट्रल बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड से अवे ले जाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना एनर्जी आपको क्या करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। समझ में आया ना, क्या होगा, इतना एनर्जी यू विल हैव टू सप्लाई टू द सैटेलाइट, देन ओनली सैटेलाइट विल बी फ्री फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द सेंट्रल बॉडी। तो सिंपल बेटा ये याद रखना कि यहाँ माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि सैटेलाइट जो है वो क्या है, सेंट्रल बॉडी से क्या है, बाउंडेड स्टेट में है, ठीक है। समझ में आया, तो सैटेलाइट के लिए हमने काइनेटिक एनर्जी कितना लिखा, देखो जी एम स्मॉल एम अपॉन टू आर। पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखा, माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर। और टोटल एनर्जी कितना लिखा, माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन क्या हो जाएगा टू आर। एक पूछा जाता है कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं, ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है। तो यहाँ मैं लिखूंगा, देखो बाइंडिंग एनर्जी, हमने यहाँ लिखा डी ई। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होगा, देखो माइनस ऑफ क्या होगा, टोटल एनर्जी, ठीक है, और इक्वल टू हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, ये भी सही है, समझ में आया ना, या इक्वल टू हम बोल सकते हैं माइनस ऑफ क्या होगा यू बाई क्या हो जाएगा टू इस, ठीक है। निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी। ये समझ में आया, देखो एक फार्मूला याद रखोगे तो सारे रिजल्ट तुमको यहाँ मालूम चल जाए। बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, और इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, और इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ निगेटिव ऑफ हाफ ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब कभी कभी ग्राफ पूछा जाता है, देखो ध्यान से, ठीक है, ये क्या है, यहाँ एनर्जी मैं लिख रहा हूँ, एनर्जी का मतलब क्या हुआ, ऑल काइंड ऑफ एनर्जी। ये कई बार ग्राफ पूछा हुआ है, ठीक है, क्या है, कई बार ग्राफ पूछा गया है। यहाँ देखो जब मैं R लिख रहा हूँ तो R इज द रेडियस ऑफ क्या होगा, सैटेलाइट मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ निगेटिव। अब देखो काइनेटिक एनर्जी जब लिखोगे तो काइनेटिक एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी का जो ग्राफ होगा वो ऐसे ही होगा, कोई डाउट नहीं है। दिस इज क्या होगा, ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी और हम क्या बोल सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ ऐसे होगा, देखो ध्यान से, है ना, ठीक है, इसके सिमेट्रिकल जस्ट होगा, तो ये हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, दिस इज क्या होगा, टोटल एनर्जी, ठीक है। ये कितना होगा, देखो इसका वैल्यू लिखते हैं, जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन क्या हो जाएगा टू आर। दिस विल बी इक्वल टू माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन क्या हो जाएगा टू आर। अब पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ क्या होगा बताओ, इसमें से जीरो कौन जाएगा, ऐसे लिख दें, कभी कभी क्या होगा, आई थिंक, देखो यहाँ ध्यान से, ठीक है, जब नहीं समझ में आए, ऐसे कभी कभी क्या है, ये ग्राफ दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन किसका ग्राफ है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का कौन ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी का टोटल, तो
पॉजिटिव एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी, तो ये आप बता सकते हैं। जब यहाँ नहीं आता है तो सिंपल आर का वैल्यू रख लो, ठीक है, समझ में आया ना, एक पार्टिकुलर आर लो। सेम आर के लिए कौन सा कम होगा यार, तो आपको देखो पोटेंशियल एनर्जी, इसको मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूँ, अलग की पोटेंशियल एनर्जी ही होगा पी, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन क्या हो जाएगा आर। सेम आर के लिए छोटा कौन सा है यार, देखो तो आपको टोटल एनर्जी है, तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ क्या होगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ टोटल एनर्जी, दिस इज द ग्राफ ऑफ क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज ग्राफ ऑफ क्या होगा काइनेटिक एनर्जी और क्या होगा बाइंडिंग एनर्जी। तो ये कभी कभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कई बार इससे रिलेटेड क्या है क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा 1 2 3 ऐसे दिया जाएगा कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में आया ना। तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट वर्सेस क्या है ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट ग्राफ हमने ड्रॉ किया, ठीक है, सभी क्या होगा देखो रेक्टेंगुलर हाइपर बोला होगा, समझ में आया ना, क्या होगा रेक्टेंगुलर हाइपर बोला होगा। तो हमने टाइम पीरियड पढ़ लिया, टोटल एनर्जी पढ़ लिया, ठीक है। अब कभी कभी देखो कि नोट में यहाँ एक दो पॉइंट और लिख लेना है, ठीक है, नोट में लिखना है कभी कभी क्या है, इफ देखो इफ द हाई इफ द एच इज द क्या होगा इज द हाइट ऑफ सैटेलाइट सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ सेंट्रल बॉडी, देन ये मैं लिख देता हूँ, देखो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो रेडियस ऑफ सेंट्रल बॉडी प्लस क्या हो जाएगा H। तो अभी तक हमने जितने रिजल्ट लिखे हैं इस केस में देखो आपको क्या करना है, जो भी स्मॉल R है, क्या है, कभी कभी देखो ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये हैवियर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके सरफेस से एच हाइट पे कोई क्या है सैटेलाइट जो है ऐसे क्या कर रहा है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, समझ में आया ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो दिस विल बी रेडियस ऑफ सेंट्रल बॉडी, तो यहाँ से स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। तो जितने रिजल्ट हैं यदि सरफेस से हाइट दिया हुआ है तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितना हो जाएगा, आर प्लस क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर प्लस एच, ठीक है, क्या हो जाएगा आर प्लस एच हो जाएगा। तो ये आपको क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें एक और पॉइंट नोट कर लेना है कि क्या होगा, सिंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, देखो जब भी इससे रिलेटेड तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो हमेशा दो पॉइंट याद रखना। देखो मैं ये बोल सकता हूँ कि क्या होगा, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है सेंट्रल है, तो सेंट्रल फोर्स के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और सेंटर ऑफ द सेंट्रल बॉडी के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ हम पढ़ेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में, क्या हम पढ़ेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। जियो स्टेशनरी का मतलब क्या हुआ कि वैसा सैटेलाइट जो अर्थ के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या करे, अर्थ के रिस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट में रहे, तो वैसे सैटेलाइट को हम क्या बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, द सैटेलाइट, द क्या होगा सैटेलाइट विच always remain at rest is called geostationary satellite,
ठीक है, और जिस ऑर्बिट में जियोस्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऑर्बिट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज कॉल्ड, क्या होगा, इज कॉल्ड पार्किंग ऑर्बिट, ठीक है। जिस ऑर्बिट में जियोस्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो कंडीशन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए। देखो कभी कभी ये दो तीन डायग्राम आपको ये भी देखो, अर्थ क्या है ये आपको मालूम है कि अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट कैसे रिवॉल्व करता है, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। यदि कोई भी सैटेलाइट अर्थ जिस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, रिवॉल्व करेगा, तो सैटेलाइट अर्थ के रिस्पेक्ट में अलवेज क्या होगा, स्टेशनरी होगा। तो हम उसको बोल सकते हैं कि उसको क्या बोल सकते हैं, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी सैटेलाइट, तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, कोई भी सैटेलाइट जो होगा वो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट कब हो सकता है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, तो उसको हम लिख लेते हैं। तो कंडीशन फॉर एनी सैटेलाइट टू बी क्या होगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि सैटेलाइट मस्ट रोटेट, सैटेलाइट मस्ट रिवॉल्व इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है, समझ में आई बात। अर्थ दैट इज, हम लिख सकते हैं दैट इज सैटेलाइट, क्या होना चाहिए, दैट इज हम लिख सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, रिवोल्यूशन मस्ट बी क्या होगा, मस्ट बी वेस्ट टू क्या होगा, ईस्ट, वेस्ट से किधर उसको रिवॉल्व होना चाहिए, ईस्ट के तरफ क्या होना चाहिए, रिवॉल्व करना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि ऑफ कोर्स टाइम पीरियड जो होना चाहिए सैटेलाइट का वो क्या होना चाहिए, आप बता सकते हो कि टाइम पीरियड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट मस्ट बी क्या होना चाहिए, मस्ट बी 24 आवर, सही है, समझ में आया क्या, 24 आवर होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट क्या होना चाहिए, सैटेलाइट मस्ट रिवॉल्व इन द क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ अर्थ रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस, दैट इज डायरेक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन मस्ट भी क्या होना चाहिए, वेस्ट वेस्ट, टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, 24 आवर्स होना चाहिए, और ऑर्बिट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्विटोरियल ऑर्बिट होना चाहिए, इक्विटोरियल ऑर्बिट मैं बता रहा हूँ आपको क्या होगा, ठीक है। ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट मस्ट बी
मस्ट भी क्या होना चाहिए, ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट मस्ट भी क्या होना चाहिए, इक्विटोरियल। जैसे देखो इक्विटोरियल ऑर्बिट का मतलब क्या होना चाहिए, आई मीन इक्विटोरियल प्लेन से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये अर्थ है, देखो ध्यान से, ये आपको मालूम है कि दिस इज क्या होता है, इक्विटोरियल ऑर्बिट। तो आइदर क्या होना चाहिए, ऐसे भी रिवॉल्यूशन सैटेलाइट का पॉसिबल है, देखो ऐसे, कैसे, ऐसे यही सेंटर है, तो ऐसे भी क्या है, इसका रिवॉल्यूशन क्या है, पॉसिबल है, या ऐसे भी क्या है, पॉसिबल है, समझ में आया ना, ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है, तो सैटेलाइट का मोशन ऐसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। लेकिन कोई पूछे ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, या कोई भी अर्थ मैंने कंसीडर किया है, सेंट्रल बॉडी भी, या हम अर्थ ही कंसीडर करेंगे क्योंकि ये, तो ऐसे भी मोशन है, दिस इज द क्या होगा, ऑर्बिट ऑफ ऑफ सैटेलाइट, आई मीन जो इक्विटोरियल और जो ऑर्बिट होना चाहिए वो इक्वेटर से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, ऑर्बिट ऑफ क्या होगा, सैटेलाइट, ठीक है, समझ में आया ना। लेकिन कोई पूछे कि क्या ये वाला, और ये मान लो कि अर्थ है क्या, ठीक है, और ऐसा मोशन पॉसिबल है क्या, ऐसे यदि सैटेलाइट ऐसे मूव करेगा तो इसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कभी बोल सकते हैं क्या, तो ये सैटेलाइट का मोशन जो है ये कभी नॉट पॉसिबल, ठीक है, समझ में आया ना। अब ये देखा गया है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि हाइट, ये भी याद रखना है, हाइट, हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द क्या होगा, फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज गिवन एज, देखो एच इक्वल टू क्या होगा, 6RE, याद रखना है, कभी कभी भी पूछा गया है, समझ में आया ना। अर्थ सरफेस से उसका हाइट जो होता है वो क्या होगा, 6RE होता है, तो उसका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का रेडियस क्या होगा ये बता सकते हो, तो हम बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ, आई मीन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होगा, रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लिख लेना तुम लोग, सैटेलाइट इज कितना हो जाएगा बेटा, बता सकते हो, आर इक्वल टू क्या होगा, 7RE। तो ऑर्बिटल स्पीड भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, देखो ध्यान से, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कैलकुलेट करोगे तो क्या लिखोगे, GM अपॉन क्या लिखोगे बेटा, बता सकते हो, GM अपॉन क्या लिख सकते हो, 6RE, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो देखो, इसी को हम क्या बोलते थे, याद आया, दिस इज नथिंग बट द, इसका वैल्यू आपको मालूम है, देखो 1/√6, इसको हम लिख सकते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं 8 km/s आया था, ये याद आया बेटा, दिस इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर ई, क्या होता है, स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट नियर टू द सर्फेस ऑफ क्या होगा, अर्थ, और ये अभी हमने कैलकुलेट किया था कि 8 km/s आता है, तो यहाँ से तुम देख सकते हो v इक्वल टू क्या होगा, 8 upon नियरली, मैं इसका वैल्यू लिख देता हूँ, देखो रूट सिक्स का वैल्यू हम 2 point कितना कंसिडर कर ले बताओ तुम लोग, 2.5 कंसिडर कर लेते हैं नियरली, ठीक है, तो या 2.4 कंसिडर कर लेते हैं, अच्छा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 upon क्या हो जाएगा, 3, सही है, km/s, ठीक है, और नियरली जो आएगा 3.3 km/s आएगा, ठीक है। तो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ क्या होगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, ये तुमको क्या करना है, ध्यान में रखना है।
ठीक है। अब यहां हम ए लिख सकते हैं, देखो तो क्या होगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल स्पीड होता है वो क्या होता है, 3.3 किलोमीटर पर सेकंड। तो अभी हमने क्या देखा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का हाइट कितना होगा, 6 आर, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितना होगा, 7 आर, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, आई मीन पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कितना होगा, 24 आवर्स, ठीक है। वो कैसे रोटेट होगा, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। और किस ऑर्बिट में रोटेट होगा, इक्वेटोरियल ऑर्बिट। अभी जैसा कि मैंने बताया था कि ऑर्बिट मस्ट पासेस थ्रू क्या होगा, इक्वेटर, ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद हमने देखा कि ऑर्बिटल स्पीड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है वो नियरली क्या होगा, 3 पॉइंट, यहाँ हमने शायद गलत लिख दिया, ठीक है, यहाँ 7 आर ही होना चाहिए बेटा, ठीक है, 7 आर ई, ठीक है। तो क्योंकि रेडियस पे भी डिपेंड करेगा ना, ठीक है, तो 7 इसको कैलकुलेट कर लेना तुम लोग, ठीक है, नियरली देखना, इससे थोड़ा सा कम आएगा, नियरली 3 कंसीडर कर लो, ठीक है, नियरली तुम 3 किलोमीटर पर सेकंड कंसीडर कर लेना, ठीक है, इसको देख लेना एग्जैक्ट क्या आएगा, समझ में आया। अब क्या होगा, ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है, अभी हम देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम इस पे देख लेते हैं, फिर हम एस्केप स्पीड पढ़ेंगे। अब थोड़ा बाइनरी स्टार के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, इससे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखो बाइनरी स्टार्स, ठीक है। अब देखो इसका डेफिनेशन क्या हो गया, यदि 2 पार्टिकल्स है, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, वो सर्कुलर पाथ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, तो वैसे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी स्टार बोलते हैं, ठीक है। आई मीन दो स्टार जो सर्कुलर पाथ पे अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के वजह से रिवॉल्व करते हैं, तो वैसे स्टार को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी स्टार बोलते हैं। और बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे कई बार क्वेश्चंस पूछा भी गया है, ठीक है, हर एग्जाम में क्वेश्चंस, पिछले टाइम में भी आया था क्वेश्चंस जो मैं अभी बताऊंगा आगे आपको, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं कि व्हेन क्या होगा, अब देखो बाइनरी स्टार मान लो कि यही क्या है, देखो ध्यान से, ये 2 पार्टिकल हैं जिसका मास क्या है, m1 और m2 है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि m1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, m2, थोड़ा और छोटा कंसीडर कर लेता हूँ, m1 इज क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, m2। तो अफकोर्स इनके बीच जो सेपरेशन है उसको मैंने मान लिया क्या है, d मान लिया। तो हमने अभी ये माना था, देखो सैटेलाइट के केस में हमने माना था कि सेंट्रल ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, लेकिन ये प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, आइडियल सिचुएशन है। यहाँ आप देखोगे तो दोनों का सेंटर ऑफ मास जो होगा, आप ये बता सकते हो देखो कि यही क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, समझ में आया ना, क्या होगा, यही इन दोनों का सेंटर ऑफ मास होगा। तो सेंटर ऑफ मास से इसका जो रेडियस होगा क्या होगा, ये R2 होगा, समझ में आया ना, और इसका जो रेडियस होगा M1 का उसको हम बोल सकते हैं क्या होगा, R1 होगा, समझ में आई बात, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये वाला जो M2 होगा वो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के वजह से वो क्या होगा, ये R2 रेडियस पे क्या होगा, मूव करेगा, समझ में आया ना, किस रेडियस पे, R2 रेडियस पे क्या होगा, मूव करेगा, समझ में आया, R2 रेडियस पे मूव करेगा, ठीक है। और ये M1 जो होगा वो क्या होगा, R1 रेडियस पे क्या होगा, मूव करेगा, ठीक है, इस रेडियस पे क्या होगा, मूव करेगा। तो अफकोर्स क्या होगा, इसका जो स्पीड होगा, अफकोर्स दोनों का ऑर्बिटल स्पीड जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। इसका स्पीड मैं V1 मानूं, देखो ये किस ऑर्बिट पे मूव करेगा, R1 रेडियस के ऑर्बिट पे, ठीक है, और एक किस ऑर्बिट में मूव करेगा, R2 रेडियस वाला जो ऑर्बिट है, ये वाला ऑर्बिट, ठीक है, इसमें M2 मूव करेगा और इस पे क्या होगा, M1 मूव करेगा, समझ में आई। अब यहाँ से देखना है कि ऐसे मूव करना शुरू किए, ये किस स्पीड से मूव कर रहा है, V2 स्पीड से, और
ये वाला जो है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है? देखो मैंने ये मान लिया इधर मूव करेगा तो ऑफकोर्स इसको किधर मूव करना चाहिए, इधर मूव करना चाहिए V1 से, ठीक है? समझ में आई बात? किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखो ध्यान से, ये कुछ ऐसे आ जाएंगे ना यार, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, देखो ये ऐसे आ जाएंगे। मैं यहाँ एक पॉइंट बताता हूँ, आई मीन एम टू जो होगा वो कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है? ये किस वेलोसिटी से मूव करेगा, वी टू वेलोसिटी से। और एम वन जो होगा वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये वी वन वेलोसिटी। तो देख लो ये जो एंगल है, समझ में आया ना, ये यदि थीटा है, मैं ये बता रहा हूँ कि इन दोनों का क्या होगा, एंगुलर स्पीड क्या होगा, सेम होगा। समझ में आया ना? क्योंकि जितना देखो इनिशियल क्या, ऐसे सोचो ये स्टार, दोनों स्टार क्या है, इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या है, रिवॉल्व कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो जितने टाइम में ये इधर से इधर आएगा उतने ही टाइम में ये क्या होगा, इधर जाएगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जितना एंगल ये टर्न करेगा उतना ही एंगल क्या होगा, ये टर्न करेगा। समझ में आई बात? ये बात समझ में आया कि जितना एंगल ये टर्न करेगा उतना ही एंगल क्या होगा, ये टर्न। इसका मतलब क्या हुआ, बाइनरी स्टार में दोनों पार्टिकल का जो एंगुलर स्पीड होता है वो क्या होता है, सेम होता है। समझ में आई बात? क्या होगा इसको दूसरे तरह से हम प्रूव करेंगे, ठीक है? एंगुलर स्पीड, ठीक है, इन क्या होगा, यहां लिख सकते हैं इन बाइनरी स्टार एंगुलर स्पीड ऑफ बोथ पार्टिकल्स आर इक्वल, दैट इज क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो ओमेगा वन इक्वल टू ओमेगा टू इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं, याद रखना। अब यदि एंगुलर स्पीड सेम हो गया तो बेटा मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में एंगुलर स्पीड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड कितना होगा, देखो तो टाइम पीरियड अब बोथ पार्टिकल कितना होगा, देखो तो यहाँ से M1 के लिए मैं यदि T1 कंसीडर कर लूँ, क्या कंसीडर कर लूँ, T1, देखो तो ये T1 कंसीडर कर लूँ तो 2 pi अपॉन क्या होगा, ओमेगा 1। और M2 क्या लिखेंगे, T2 इक्वल टू क्या होगा, 2 pi अपॉन क्या होगा, ओमेगा 2। और ओमेगा 1 ओमेगा 2 सेम है तो हम बोल सकते हैं T1 इक्वल टू क्या होगा, T2। आई मीन हम बोल सकते हैं इन बाइनरी स्टार टाइम पीरियड ऑफ बोथ द पार्टिकल्स क्या होगा, सेम होगा। ये मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है एडवांस में क्वेश्चन, ठीक है? समझ में आया ना? तो हम बोल सकते हैं कि इन क्या होगा, इन बाइनरी स्टार्स टाइम पीरियड ऑफ बोथ पार्टिकल्स विल रिमेन सेम। समझ में आया ना? ये कितना होगा, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू हम T मान लेते हैं, T कैलकुलेट कर लेंगे बाद में, ठीक है? यहाँ से एक और ध्यान देना है कि दोनों का एंगुलर मोमेंटम सेम नहीं होगा, लेकिन बोल सकते हैं कि देखो तो यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बेटा वो सेंटर से पास करेगा। अरे सही है, सेंटर से पास कर रहा है क्या, समझ में आया ना? तो हम बोल सकते हैं कि सिंस अगला पॉइंट लिख सकते हैं, देखो हम बोल सकते हैं कि देखो dl अपॉन dt इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क, ठीक है? हम बोल सकते हैं कि टॉर्क ऑफ क्या होगा, Fg अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं कि L जो होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपको समझ में आया कि क्या होगा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल, आई मीन एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच पार्टिकल M1 एंड M2 विल बी कॉन्स्टेंट सेपरेटली, आई मीन अलग अलग क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम जो होगा क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं
L1 क्या है, L1 इक्वल टू हम बोल सकते हैं M1 V1 R1 क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। और L2 इक्वल टू क्या होगा, M2 V2 R2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया, अलग अलग दोनों पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये मत बोलना कि L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा यार, समझ में आया ना। L1 इक्वल टू L2 नहीं होगा, क्योंकि दोनों का ऑर्बिट जो है क्या है, अलग अलग है। समझ में आई बात, दोनों का ऑर्बिट जो है क्या है, अलग अलग। हाँ, लेकिन पार्टिकल M1 का या स्टार M1 एंड स्टार M2 का अलग अलग एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट। ये याद रखना है कि जब भी फोर्स क्या होगा, सेंट्रल होगा, तो सेंट्रल फोर्स के अबाउट टॉर्क हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। और उसके अबाउट ऑलवेज हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज कर सकते हैं, मीन MVR इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाइनरी स्टार में क्या होगा कि दो पार्टिकल्स अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे। तो बाइनरी स्टार में दोनों पार्टिकल्स का एंगुलर स्पीड सेम होगा, टाइम पीरियड सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगा, और एंगुलर मोमेंटम अलग अलग क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे, बाद में हमें सभी अभी कैलकुलेट करते हैं। अब तुमको ये मालूम है, देखो बेटा, ऑलरेडी मैं सेंटर ऑफ मास वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ाया हूँ कि सेंटर ऑफ मास जो होता है वो क्या होता है। मैं ये सेंटर ऑफ मास हमने बताया था कि डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास। तो हम बोल सकते हैं कि आर विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एम। समझ में आया कि आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो आर विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, M2 अपॉन M1, ठीक है। समझ में आया, यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं, देखो एक इक्वेशन ये मिल गया। और ध्यान देना बेटा, R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या होगा, इनके बीच सेपरेशन। तो हम क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को, इसको वन मान लो, इसको सेकंड मान लो, दोनों को सॉल्व करोगे तो देखो R1 इक्वल टू क्या होगा, M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू D, और R2 इक्वल टू क्या होगा, M1 अपॉन क्या होगा, M1 प्लस M2 इंटू D। ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट अब बोथ द स्टार अपने को क्या हो गया, मालूम चल गया, ठीक है। समझ में आया, क्या हो गया, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ बोथ द स्टार अपने को क्या हो गया, मालूम चल गया, ठीक है। समझ में आई बात। अब किसी एक क्या करो, किसी एक पार्टिकल पे फोर्स कंसीडर करो। देखो ध्यान से मैं ये बता रहा हूँ, देखो यहाँ से मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ ये लिख रहा हूँ कि कैलकुलेशन ऑफ ऑर्बिटल स्पीड, आई मीन कैलकुलेशन ऑफ V1 एंड क्या होगा, V2, ठीक है। अब देखो मैं एक पार्टिकल को कंसीडर कर ले रहा हूँ, चलो मैं M2 को कंसीडर कर रहा हूँ, ये M1 है बेटा। इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, यही सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। और यहाँ से एक किस रेडियस पे मूव कर रहा है, R2 पे। R2 का वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया है। इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा बता सकते हो तुम लोग, ये ऐसे ही मूव कर रहा है ना यार, ऐसे, ठीक है, V2 वेलोसिटी से। तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स, जब भी याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, G m1 m2 अपॉन R2। R क्या होता है, दोनों मास के बीच सेपरेशन होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखो तो G m1 m2 अपॉन D2 इक्वल टू मास ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, V2 अपॉन क्या हो जाएगा, R2। देखो M2 से M2 कैंसिल हो गया, यहाँ देखोगे तो V2 इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, V2 इक्वल टू क्या मिला, G m1 अपॉन क्या मिल गया, D, ठीक है, D2 इंटू क्या मिला, R2। समझ में आया। अब R2 का वैल्यू रख दो बेटा यहाँ से, देखो R2 का वैल्यू रखोगे, ये समझ में आया, M2 अब R2 का वैल्यू रख दो तो V2 इक्वल टू क्या हो गया, कुछ नहीं करना है, देखो ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करने पे, जिसका ऑर्बिटल स्पीड निकालना है उस पे टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिख दो, वहाँ से ऑर्बिटल स्पीड मिल गया। यहाँ से G m1 अपॉन D2 इनटू, यहाँ लिख सकते हैं M1 अपॉन M2 इनटू D, सही है, D से D कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ऑर्बिटल स्पीड ऑफ स्टार M2 कितना मिला, देख लो ध्यान से,
तो v2 इक्वल टू क्या मिला, देखो ध्यान से, g, ठीक है, g अपॉन क्या मिल जाएगा, हमने यहाँ गलत लिख दिया, g m, ठीक है, समझ में आया। तो देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, g अपॉन d इंटू क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा, m1। समझ में आई बात, देखो वहाँ से, ठीक है, क्या हो जाएगा, g m1, ये m स्क्वायर, तो m बाहर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम बोल सकते हैं, देखो कि सिमिलरली हम बोल सकते हैं, अब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिमिलरली v1 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, देखो ध्यान से, g अपॉन d इंटू क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। यहाँ से ये मालूम चल रहा है कि ऑर्बिटल स्पीड विल बी, देखो ध्यान से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मास, देख रहे हो ना, देखो यहाँ ध्यान से, इन दोनों से लिख सकते हो कि v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू क्या होगा, m2 अपॉन क्या हो जाएगा, m1, ठीक है। आई मीन यहाँ से तुम बोल सकते हो कि ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द बाइनरी स्टार, ठीक है, ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड मैं यहाँ लिख सकता हूँ, v विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास, ग्रेटर द मास ऑफ द स्टार स्मॉलर विल बी द क्या होगा, ऑर्बिटल स्पीड, एंड वाई से वर्सा, क्या होगा, स्मॉलर विल बी द ऑर्बिटल स्पीड एंड वाई से वर्सा, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है बेटा, तो ये समझ में आया कि ऑर्बिटल स्पीड विल बी क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास। इतना डिटेल में मैं बाद में नहीं बताऊंगा, इसके बाद में जस्ट इसी में बता रहा हूँ, इसी को बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर स्पीड, ठीक है, जरूरी भी उतना, देखो तो अब लिख सकते हैं ओमेगा वन इक्वल टू ओमेगा टू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा, ठीक है। अब तुमको ये प्रूव करना है, यहाँ से प्रूव कर सकते हो, देखो ओमेगा वन इक्वल टू क्या होगा, वी वन अपॉन आर वन, सही है, और ओमेगा वन इज इक्वल टू, देखो यहाँ से वी वन का वैल्यू रखो, तो वी वन इक्वल टू क्या है, जी अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू डी, ठीक है, एम टू अपॉन क्या है, आर वन, ठीक है, आर वन का भी वैल्यू तुम रख सकते हो यहाँ से, लेकिन बाद में मैं रखता हूँ, आर वन का वैल्यू रख दो, तो देखो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी, ठीक है, जी अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू डी, ठीक है, समझ में आई बात। आर टू का वैल्यू रखो, आर वन का वैल्यू रखो, तो क्या लिखोगे यहाँ, एम वन प्लस एम टू अपॉन क्या रखोगे, डी, देखो इंटू एम टू लिखेंगे, एम टू कैंसिल होते हैं, ठीक है। इसको रूट के अंदर ला लो, तो देखो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, रूट के अंदर लाओ तो क्या हो जाएगा, जी, ठीक है, जी अपॉन डी स्क्वायर आई मीन डी क्यू इंटू क्या हो जाएगा, एम वन प्लस क्या हो जाएगा, एम टू, सही है, क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा वन इक्वल टू, सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, इसको भी कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टू इक्वल टू ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा मिल गया तो तुम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो, या यहाँ से भी टाइम पीरियड क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ यदि दोनों स्टार का मास सेम होगा, तो केवल मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, कभी कभी भी कि बाइनरी स्टार में यदि दोनों पार्टिकल का मास सेम हो जाए, तो देखो क्या होगा, यहाँ नोट में यहाँ लिख देता हूँ, नोट में इफ़ क्या लिखेंगे, इफ़ एम वन इक्वल टू क्या होगा, एम टू इक्वल टू एम, तो देखो आर वन इक्वल टू क्या होगा, डी बाई टू, आर टू इक्वल टू क्या होगा, डी बाई टू, यहाँ से ऑर्बिटल स्पीड में क्या करोगे, अब यहाँ मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, देखो ये मास m हो गया, ये मास m हो गया, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, यहाँ ये, तो ये सर्कुलर पाथ पे ऐसे क्या होंगे, मूव करेंगे, ठीक है, ऐसे सर्कुलर पाथ पे क्या होगा, मूव करने लगे। तो यहाँ से जो भी हमने केसेस देखा है, अगेन सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या लिखोगे, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसमें एक दूसरा क्वेश्चन से पूछा जाएगा,
अब सब मैं नहीं बता रहा हूँ, अलवेज याद रखना, बाइनरी स्टार हो, टर्शियरी स्टार हो, क्वार्टरनरी स्टार हो, हर केस में ओमेगा सेम होगा, टाइम पीरियड सेम होगा, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होगा, और वाइटल स्पीड जो होगा वो क्या होगा, सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। बाइनरी स्टार में अलग अलग होगा, टर्शियरी और क्वार्टरनी में क्या होगा और वाइटल स्पीड भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम जनरली इक्वल मास कंसीडर करेंगे तभी सेम हो सकता है। यहाँ भी देखो, यहाँ मैं पूछूँ कि यहाँ सब चीज़ सेम होगा, इस केस में क्या होगा, इसका भी और वाइटल स्पीड, दोनों मास का और वाइटल स्पीड सेम, एंगुलर स्पीड सेम, टाइम पीरियड सेम, ओमेगा सेम, सब चीज़ क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल देख लो, इसको हम बोलते हैं टर्शियरी स्टार, देखो इसमें क्या है, तीन पार्टिकल्स इक्विलैटरल ट्रायंगल के क्या है, देखना ध्यान से, इक्विलैटरल ट्रायंगल तीन पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस रखा हुआ है, कई बार क्वेश्चंस आया हुआ है एग्जाम में, ध्यान देना, ठीक है, इनका साइड लेंथ क्या है, ये है, ध्यान देना तुम। अगेन देखो, तुमको ये मालूम है, तुम बोलोगे देखो एक का ग्रेविटी, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लाएगा, मैग्नीट्यूड सेम हो गए, तुमको मालूम है जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा, इधर भी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इधर, और इसका वैल्यू क्या होगा, जी एम स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर लगेगा, तो दोनों फोर्स सेम है, तो बाई मिस्टेक से देखना ध्यान से, इन पे जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर, ठीक है, और ये एफ आर होगा, और एफ आर इक्वल टू क्या होगा, रूट थ्री, ठीक है, रूट थ्री जी एम स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखोगे कि ये तीनों जो क्या होंगे, तीनों जो पार्टिकल होंगे वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे, जिसका सेंटर जो होगा क्या होगा, सेंटर जो होगा, सेंटर कहाँ होगा बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, मालूम है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए जितने सेंटर होते हैं सभी सेंटर क्या होते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं। तो देखो यहाँ से ये जो पार्टिकल होगा वो इस रेडियस पे मूव करेगा, ये वाला जो पार्टिकल है इस रेडियस पे मूव करेगा, और ये वाला पार्टिकल जो है वो क्या होगा, इस रेडियस पे मूव करेगा। तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन समझ में आया कि थ्री पार्टिकल्स, सुनो क्वेश्चन ध्यान से, थ्री पार्टिकल्स प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज साइड लेंथ इज ए, इफ द मास ऑफ द थ्री पार्टिकल्स आर सेम एंड इफ थ्री पार्टिकल स्टार्ट मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन देन फाइंड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द क्या होगा, ईच पार्टिकल, ठीक है। तो देखो सबका यहाँ ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा, सेम होगा, समझ में आया ना, सबका ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा। अब यहाँ बेटा आर भी तुम लिख सकते हो, आर कितना होगा बता सकते हो, ये एंगल देखो 30 डिग्री होगा तो मुझे आर कैलकुलेट करना है, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ए बाई टू, तो मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 30 इक्वल टू ए बाई टू इंटू आर, तो आर इक्वल टू ए बाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू रूट थ्री बाई क्या होगा, 2, तो आर इक्वल टू क्या होगा, ए बाई रूट थ्री हो जाएगा, समझ में आई बात, क्या हो जाएगा, ए बाई रूट थ्री, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, जब भी तुमको ऑर्बिटल स्पीड निकालना है तो क्या करना है, एक किसी भी पार्टिकल पे नेट फोर्स लिखो, दैट फोर्स इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बेटा इस पे नेट फोर्स कितना है, देखो मैं लिख सकता हूँ, ऑर्बिटल स्पीड हमने क्या मान लिया है, वी ओ मान लिया है, ठीक है, क्या होगा, ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा, वी होगा, तो हम लिख सकते हैं एम वी ओ स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू रूट थ्री जी एम स्क्वायर अपॉन क्या होगा, ए स्क्वायर, बात सही है, एम से एम कैंसिल हो गया, देखो वी स्क्वायर अपॉन आर का वैल्यू लिखो ए इंटू रूट थ्री इक्वल टू रूट थ्री जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया, तो यहाँ तुम लिख सकते हो वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ तीनों पार्टिकल, क्योंकि तीनों पार्टिकल सेम रेडियस पे मूव कर रहे हैं, सेमी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इसलिए ऑर्बिटल स्पीड जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, और ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा, अंडर रूट जी एम अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी एम अपॉन ए। उसके बाद तुमसे कोई पूछे कि ओमेगा कितना हो बेटा, तो ओमेगा भी आराम से तुम बता सकते हो, टाइम पीरियड कितना होगा तो ये भी बता सकते हो, तो ओमेगा कितना होगा बता सकते हो, देखो
ओमेगा इज इक्वल टू वी नट अपॉन क्या हो जाएगा आर, और वी नट अपॉन ए इंटू क्या लिखोगे रूट थ्री, तो ओमेगा इक्वल टू रूट थ्री ठीक है अपॉन ए इंटू अंडर रूट क्या हो जाएगा जी एम अपॉन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ठीक है। ये तुमको क्या मिल गया ओमेगा मिल गया। तो सबके लिए ओमेगा भी क्या होगा सेम होगा, सभी का एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट क्या होगा सेम होगा, समझ में आया ना। एंगुलर मोमेंटम भी तुमसे पूछा जाए कि ओ के अबाउट लिखो, तो एल अबाउट ओ क्या लिखोगे एम, वी ओ इंटू क्या लिखोगे आर, और बेटा एम वी का वैल्यू लिख सकते हो अंडर रूट देखो ध्यान से जी एम अपॉन ए इंटू ए बाई क्या है रूट थ्री ठीक है। समझ में आई बात, इसको ऐसे भी लिख सकते हो अंडर रूट देखो ध्यान से जी एम अंदर ले जाओगे तो एम क्यूब ए ठीक है ऑलरेडी एम है एम क्यूब ए अपॉन क्या हो जाएगा थ्री। तो एल अबाउट ओ भी तुमको मालूम चल गया, एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे अरे एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर पाथ पे ही होता है ना यार एम वी आर। टाइम पीरियड भी लिख सकते हो t इक्वल टू क्या होगा 2 पाई अपॉन क्या होगा ओमेगा, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। इस केस में तुमसे ये पूछा जाएगा कि ऑर्बिटल स्पीड क्या होगा, समझ में आया ना। तो ऑर्बिटल स्पीड जब भी कैलकुलेट करना हो इस केस में कि जब भी पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के अबाउट मूव कर रहे हैं तो किसी एक पार्टिकल को कंसीडर करो ठीक है, और उस पर नेट फोर्स लिखो टुवर्ड द सेंटर और दैट फोर्स विल बी इक्वल टू क्या होगा मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ठीक है। तो यहाँ क्या होगा इस केस में यदि तीनों पार्टिकल्स जिनका मास सेम है इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे हैं और वो सर्कुलर पाथ पे ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन मूव कर रहे हैं तो सबका ऑर्बिटल स्पीड सेम होगा, सबका टाइम पीरियड सेम होगा, सबका एंगुलर मोमेंटम सेम होगा, सबका एंगुलर स्पीड सेम होगा ठीक है, एवरीथिंग विल बी रिमेन सेम। और कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आप देख चुके हो ठीक है। एक न्यूमेरिकल और पूछा जाता है, इसमें क्या है तुमको फोर्स लिखने आना चाहिए ठीक है। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो यहां क्या है ये भी बहुत ही बड़े, तीनों जो क्वेश्चन बताया हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टेक्स पे क्या है सभी पार्टिकल्स क्या है फोर पार्टिकल्स हैं जिनका मास क्या है एम, समझ में आई बात। ऑफ कोर्स इसका साइड लेंथ क्या है ये है, देखो बाई सिमेट्री से तुम सेंटर ऑफ मास देखोगे तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा यही होगा यार, समझ में आया। अब यहाँ ये देखोगे कि इस तरह ये सर्कल ड्रॉ करो तो ऐसे क्या होगा इस सर्कुलर पाथ पे मूव करेंगे ठीक है। तो मैं केवल लिख देता हूँ इन द शोन फिगर, इस पे देखो नेट फोर्स किसी एक पे कंसीडर करोगे तो देखो इन दोनों का रिजल्टेंट, इधर जो फोर्स लग रहा है इधर फोर्स लग रहा है इसका रिजल्टेंट इधर, और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है इधर ही, तो नेट फोर्स किधर लगेगा इधर, उसी तरह नेट फोर्स इधर लगेगा, उसी तरह नेट फोर्स इधर लगेगा, उसी तरह इस पे भी नेट फोर्स किधर लगेगा। बाईसेमेट्री ऑल पार्टिकल्स पे किसी एक पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या है सेंटर की तरफ लग रहा है, इसके वजह से क्या होगा ये पार्टिकल जो होंगे वो सर्कुलर पाथ पे मूव करने लगेंगे ठीक है, समझ में आया ना। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ रेडियस बाईसेमेट्री देखोगे तो रेडियस क्या हो जाएगा रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा आर इक्वल टू ए बाई क्या हो जाएगा रूट टू ठीक है। तो मैं लिख देता हूं इन द शोन फिगर, इन द क्या होगा शोन फिगर फाइंड ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल ठीक है, सबका सेम होगा तो हम लिख देते हैं कि वी वन इक्वल टू वी टू इक्वल टू वी थ्री इक्वल टू वी फोर इक्वल टू क्या होगा वी नॉट, क्यों क्योंकि सबका ओमेगा सेम होगा इसलिए सेम ठीक है। अब देखो सबसे पहले जब तुमको फोर्स लिखना होगा तो ये ध्यान देना है, देखो ध्यान से नेट फोर्स कितना होगा ये क्लास में बताया था, अगेन देखो ये मान लो कि ये इधर मूव कर रहा है वी नॉट वेलोसिटी से, ये इधर मूव कर रहा है किस वेलोसिटी से वी नॉट वेलोसिटी से, ऐसे मैंने मान लिया ठीक है, ये ऐसे मूव कर रहा है वी नॉट वेलोसिटी से, ये भी ऐसे मूव कर रहा है वी नॉट वेलोसिटी से ठीक है। अब बेटा इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा एक पे कंसीडर करो इस पे, चलो इस पे बताओ तो देखो इधर क्या लगेगा, इधर जो फोर्स लग रहा है एफ इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ जी एम ए
जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सही है। ठीक है, देखो मैं डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूँ, इधर भी जो फोर्स लग रहा है यहाँ, ये क्या लग रहा है, एफ इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, और एक ये फोर्स लग रहा है, इसको मैं मान लेता हूँ कि ये वाला जो फोर्स है एफ वन है, ये वाला फोर्स, तो यहाँ एफ वन कितना लग रहा है बेटा, एफ वन इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर लग रहा है क्या, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, रूट टू है। तो एफ आर जब आप देखोगे तो एफ आर देखो, अब इनका और इनका रिजल्टेंट कितना होगा, देखो दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और फोर्स इक्वल है तो ऑफकोर्स एंगल बाई सेक्टर के अलॉन्ग लगेगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ रूट टू इंटू एफ प्लस एफ वन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और रूट टू ठीक है जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एफ वन का वैल्यू लिखो, देखो जी एम स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर, ठीक है, इसमें से कॉमन ले लो जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, टू रूट टू प्लस वन बाई टू, एफ आर मिल गया बेटा, किसी एक पार्टिकल पे ये फोर्स मालूम चल गया, ठीक है। अब इस पार्टिकल पे फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो एफ आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम इंटू वी नेट स्क्वायर अपॉन आर, आर क्या होगा, देखो आर इक्वल टू हम ए लिखेंगे तो एम वी नेट स्क्वायर अपॉन क्या लिख सकते हैं बेटा, ए बाई रूट टू, और इसको लिख सकते हैं रूट टू, ठीक है, एम वी ओ स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और ऑर्बिटल स्पीड आसानी से क्या होगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है, समझ में आई बात, और ऑर्बिटल स्पीड अपने को आसानी से मिल जाएगा, देखो जी एम स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर इंटू, ठीक है, टू रूट टू प्लस वन इक्वल टू, ठीक है, रूट टू एम वी नट स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, देखो ए से ए कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, तो ऑर्बिटल स्पीड कितना होगा, देख बेटा जी एम अपॉन ए इंटू, देखो ध्यान से क्या होगा, टू रूट टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू रूट, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखना ये प्रीवियस आई थिंक इसी साल या नेक्स्ट इसके पहले साल में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, इसके पहले वाले एग्जाम में, ठीक है। तो बेटा ये ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहा, ठीक है, कल हम जो पढ़ेंगे, कल आपका ये चैप्टर जो होगा वो फिनिश हो जाएगा, कल हमको क्या पढ़ना है, एस्केप स्पीड पढ़ना है और केपलर्स लॉ, दो ही पॉइंट अपने को इसमें और डिस्कस करना है, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, ये तीन चार जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार फिर से सॉल्व कर लेना, और क्योंकि एक ना एक आएगा ही एग्जाम में, चाहे कोई भी पेपर आए उसमें ये क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, ओके, थैंक यू।